एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल मोनिका मसी डीआईवाई होम डेकोर। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए होम डेकोर वीडियो से हटकर एक डिमांडिंग वीडियो लेके आई हूं। और ये जो वीडियो है, स्पेशली मुझे लिबास क्रिएशन के ओनर की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया है कि मैं ये वीडियो को आपके सामने शेयर करूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लिबास क्रिएशन एक बुटीक है जहाँ पे ड्रेसेस स्टिच किए जाते हैं और मैं भी अपनी सारी ड्रेसेस वहीं पर स्टिच कराती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के जरिए मैं अपने ड्रेस के जो लुक है, जो डिजाइनिंग है, वो आपके साथ शेयर करूंगी कि आप कैसे अपने सलवार सूट को आप बहुत ही अच्छे से डिजाइन के तौर पर, अगर आप उसमें कुछ कुछ चीजें ऐड करते हैं, प्लाजो हो गया, पैंट लुक हो गया और भी अदर चीजें ऐड आप उसमें करते हैं तो वो उतने ही खूबसूरत बन जाता है। तो इस तरह के लुक को आप अपने, इस तरह के डिजाइन को आप अपने वार्डरोब में फ्रेंड्स इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आप जो फेस्टिवल सीजन है या आपका पार्टी वियर कलेक्शन सीजन है उसमें आप उसको कलेक्ट करके और उसमें आप उसमें वियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको अपनी वीडियो की तरफ ले चलती हूँ। और वीडियो की तरफ ले जाने से फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे, अगर ये वीडियो पसंद आता है आपको तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और लिबास क्रिएशन का जितना भी डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जो न्यू सब्सक्राइबर है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्रेस बेल आइकन मेरा प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करती हूँ।
ये है मेरी पहला सलवार सूट डिजाइन, और ये जो है ये आपका मस्टर्ड कलर का मैंने पैंट वेयर किया है और ग्रीन कलर का मैंने यहाँ पर कुर्ती वेयर किया है। ये आप देख सकते हैं कि ये नी लेंथ कुर्ती मैंने सिलवाया है स्पेशली ताकि मैं इसको दुपट्टे के साथ और दुपट्टे के बगैर भी इसको वेयर कर सकूं। तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है क्योंकि एक पैंट लुक का स्टाइल दे रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मैं बनारसी दुपट्टे का यहाँ पे यूज किया गया है, बहुत ही सुंदर है लग रहा है। यहाँ पे मैंने जो स्लीव सिलवाई है ये मेरी 3/4 स्लीव्स है और जिसका नेक है वो इस तरह से बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन लग रहा है फ्रेंड्स। तो ये आप अपना वार्डरोब में आप ये पैटर्न को इंक्लूड कर सकते हैं, सिलवा सकते हैं फ्रेंड्स। ये पूरा जो सूट का डिजाइन है ये पूरा मेरा जो है लिबास क्रिएशन ने सिल के दिया है और उन्होंने मुझे मैचिंग मेरे सूट के मैचिंग मेरे को मास्क भी सिल के दिया है जो कि इस तरह से मैं वियर कर सकती हूँ। अगर मैं पार्टी में जा रही हूँ, किसी फंक्शन में जा रही हूँ तो ऑफकोर्स आजकल मैचिंग ड्रेस से मास्क चल रहे हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। ये मेरा सेकेंड सूट एंड प्लाजो सूट डिजाइन है जो कि मैंने रेडीमेड नहीं खरीदा है, मैंने भी इसको स्टिच कराया है लिबास क्रिएशन से। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसका जो हैंड है ये यहाँ पे मैंने ये स्टेप बाय स्टेप फ्रिल करवाया है, बहुत खूबसूरत तरीके से सिलाई इसकी स्टिच की गई है। इसका जो नेक डिजाइन है ये बोट नेक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे लीफी पैटर्न दी गई है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। मुझे बोट नेक बहुत पसंद आते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो है थोड़ा सा फॉइल प्रिंटिंग का है लुक इसमें, तो यहाँ पे ये कॉटन का मैंने पीछे इस तरह से इसमें अस्तर लगवाया है क्योंकि ये फॉइल प्रिंट है, ये चुभ सकता है तो इसलिए इसको ये कॉटन का ये लगाया है। और इसका जो प्लाजो है सेम इसी गोल्डन प्रिंट का है तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत मैच कर रहा है इसके साथ। तो आप इस तरह का लुक अगर अपने वार्डरोब में आप अगर रखना चाहते हैं तो इस तरह के आप सूट डिजाइन को विथ प्लाजो आप उसको अपने वार्डरोब में इंक्लूड कर सकते हैं जो देखने में आपको पार्टी वियर लुक देगा और आप किसी भी फंक्शन में इसको फेस्टिवल में कैरी ऑन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स जो थर्ड मैंने सूट वियर किया है ये है पंजाबी सूट, आप सही समझे हैं, ये है पटियाला। आप देख रहे हैं कि मैंने जो पहना है सूट वो ग्रीन कलर का है और गोल्डन लुक में है और बहुत ही अच्छा पंजाबी लुक दिया है फ्रेंड्स। ये भी रेडीमेड नहीं है, ये भी मैंने स्टिच कराया है लिबास क्रिएशन से। और आप इसमें देखिए कि इसमें जो मेरा जो पटियाला है वो जैसे पंजाब में लोग लेडीज पहनते हैं स्पेशली, मैं देखा है यहाँ पे पटियाला सिल नहीं पाते लोग, लेकिन ये जो इन्होंने सिलाई की है बहुत ही अच्छी की है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एक कली जो है ये सब पूरा इतने अच्छे से इन्होंने स्टेप बाय स्टेप निकाला है कि जो ये पटियाला का लुक है बहुत ही खूबसूरत आ रहा है फ्रेंड्स। तो आप अपने वार्डरोब में इस तरह से पटियाला लुक का सूट स्टिच करवा के उसको भी आप अपने इंक्लूड कर सकते हैं। और अपने जैसे अगर आप पंजाबी है तो ऑफकोर्स आप लहोड़ी और ये सब में आप इसको वेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स मेरी नेक्स्ट सूट डिजाइन है ये है साड़ी सूट डिजाइन, आपने सही समझा। ये जो मैंने सूट वियर किया है ये बनारसी सिल्क साड़ी का मैंने बनवाया है। आप देखिए इसमें यहाँ पे ये पर्पल और थोड़ा गाजरी का लुक है इसमें, लेकिन फ्रेंड्स ये मैंने स्टिच करवाया है और इसमें जो स्टिचिंग करवाई है ये भी मैंने लिबास क्रिएशन से कराई है और उन्होंने मेरी जो साड़ी थी सिल्क की साड़ी को उसका बहुत ही अच्छा यूज किया है हर एक जगह पे। तो आप देखिए जो फ्रंट्स का मेरा आपको दिखाई दे रहा है पैटर्न, ये उन्होंने पल्लू का पैटर्न लिया है, पल्लू उसका पर्पल कलर था इसलिए उन्होंने पल्लू को फ्रंट में रखा है। नीचे जो आस्तीन है उसको भी इन्होंने पल्लू के ही पर्पल पैटर्न को रखा है और यहाँ पे गोल्डन जो इसका बॉर्डर था साड़ी का उसका यूज बहुत ही ब्यूटीफुली तौर से किया है। आप साइड का देख सकते हैं यहाँ पे और पीछे इन्होंने बाकी जो साड़ी का जो बाकी पार्ट था उसका यूज किया है। तो ये जो सूट है मेरा दो कलर के डिजाइन में बनाया है उन्होंने और नीचे का जो बॉर्डर है बहुत ही चौड़ा बॉर्डर था, यहाँ पे उन्होंने डबल बॉर्डर को स्टिच किया है ताकि ये मेरे जो साड़ी है उसको क्या है ये हल्की है तो उसको ताकि भारी किया है ताकि ये उसको स्टिच खींच के रखे। तो ये बहुत ही खूबसूरत उन्होंने पैटर्न मेरा बना के दिया है। आप देख रहे हैं कि ज्यादातर ये साउथ इंडियन लुक आ रहा है क्योंकि साउथ इंडियन इस तरह के सूट्स को बहुत ही ज्यादा वेयर करते हैं
तो और इसका जो मैंने गला बनाया, फिर से मैंने बोट नेक बनवाया है, क्योंकि मुझे ज्यादा मैं डीप नहीं पहनती हूँ, तो इसलिए मैंने बोट नेक इसको भी गले को प्रिफर किया। यहाँ पे उन्होंने, यहाँ पे गोटे का उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक लुक दिया, डिजाइन दिया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आप इस लुक को भी अपने पार्टी वेयर लुक में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, और अपने वार्डरोब इंक्लूड, आपके पास जो भी पुरानी साड़ियां पड़ी अगर आप उसको हम लोग हटा देते हैं या किसी को दे देते हैं, अगर आपको जरा सा भी लगता है कि अगर आप उनको इस तरह से पैटर्न में आप सिलवा लेंगे तो उसका एकदम अच्छे से आप इन साड़ियों का यूज कर सकते हैं एज अ सूट लुक में। सो फ्रेंड्स, मैंने नेक्स्ट जो सूट वेयर किया है ये है, आप इसका कलर देख सकते हैं कि ये हल्का क्रीमिश व्हाइट कलर है। इसके साथ मैंने गोल्डन कलर का प्लाजो वेयर किया है और एक बनारसी व्हाइट दुपट्टे को वेयर किया है, जो कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन इसका लुक दे रहा है। और ये जो सूट है ये है आपका एम्ब्रॉयडरी है, पूरा पूरा एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है सूट में, स्टिच किया हुआ है, मतलब चिकनकारी है इसका पूरा सूट में। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आप मैंने नेक जो स्टिच करवाया है ये थोड़ा सा बंगाली लुक को पैटर्न डिजाइन दिखा रहा है, और यहाँ पे मैंने तीन छोटे छोटे बीड्स लगवाए हैं तो जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, और हल्का सा यहाँ पे ये कट करा है, करवाया है, तो ये जो सूट को एक एलिगेंट और ब्यूटीफुल लुक दे रहा है, एक सूट को आपके दूसरे पैटर्न में दिखा रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्लीव्स मैंने यहाँ पे 3/4 से थोड़ी ज्यादा रखवाई है, इसकी स्लीव्स 3/4 नहीं है, ये थोड़ी सी लॉन्ग स्लीव्स मैंने करवाई है, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ये एक बो का लुक दिया गया है, तो अच्छा ये बहुत सुंदर लग रहा है, बो लुक इसमें आ रहा है आप देख सकते हैं। और ये जो पूरा सूट है ये पूरी लॉन्ग सूट है, A4 साइज लुक का है ये सूट, तो आप देखिए पीछे से, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो आप इसको भी अपने इस डिजाइन को, सूट के डिजाइन को आप अपने वार्डरोब में इंक्लूड कर सकते हैं, अपने पैटर्न को इसको इंक्लूड कर सकते हैं, और किसी भी ओकेजन में आप इसको वेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने जो नेक्स्ट लुक वियर किया है ये है हल्का डार्क ब्लू एंड येलोइश के कॉम्बिनेशन में, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैंने सूट सिलवाया है वो ए लेंथ सूट मैंने पूरा सिलवाया है, और जो मेरा पैंट है वो एंकल लेंथ पैंट है। इसमें बहुत ही सुंदर यहाँ पे ये डिजाइन यहाँ पे बनाया गया है, पैटर्न बनाया है, जो बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है मेरे पैंट को। और ये जो मैंने सूट है ये मेरा कॉलर लुक मैंने बनवाया है, मुझे कॉलर डिजाइन बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉलर का इसमें डिजाइन दिया गया है, और सामने यहाँ पे ये थोड़े से ये आपके बूटी टाइप का ये लगा हुआ है, आजकल ये बहुत चल रहा है पैटर्न में, इस तरह के लुक है। और इसके साथ देख रहे हैं आप मैचिंग जो मुझे बैग गिफ्ट किया है, इसी मैचिंग कपड़े ड्रेस का बना हुआ है, बहुत ही सुंदर ये डिजाइन है, बहुत ही अच्छा लुक ये क्रिएट किया है, तो आप इसको भी अपने वार्डरोब में इंक्लूड कर सकते हैं, इस तरह के डिजाइन को आप कैरी कर सकते हैं और सिलवा सकते हैं अपने अलग अलग तरीके से, अपने वार्डरोब में अलग अलग डिजाइन के आप सूटों को कैरी कर सकते हैं, जो बहुत ही देखने में खूबसूरत लगेंगे।